प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो लास्ट डे हमने जी तक कंप्लीट कर लिया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एच लेयर स्टाइल्स। द एफ आइकन एट द बॉटम ऑफ द लेयर पैलेट अलाउज यू टू चेंज लेयर्स इन डिफरेंट स्टाइल्स। ठीक है, तो लेयर पैलेट में ठीक के नीचे एक एफ आइकन बना हुआ है जो हमें अलाउ करता है कि लेयर्स को हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में चेंज कर सकें। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो एडोब फोटोशॉप को मैंने ओपन करके ही रखा हुआ है। ठीक है, तो एक यहाँ से हम कोई इमेज ओपन कर लेते हैं, या खाली लेयर भी यहाँ पे, या खाली फ्रेम भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये ओपन कर लिया हमने। और अब काम करने के लिए सबसे पहले हम इसको करते हैं, इस लेयर को अनलॉक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बना हुआ है एफ आइकन नीचे। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको वर्किंग दिखाने के लिए मुझे एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ये ले लिया मैंने एक एलिप्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एफ आइकन बना हुआ है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये ब्लेंडिंग वाला काम तो आपको मैंने बता दिया था मिक्सिंग के लिए। ठीक है, ड्रॉप शेडो है, इनर शेडो है, आउटर ग्लो है, सबका अपना अपना काम है। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे एक देखो ड्रॉप शेडो वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं इकट्ठी। ठीक है, यहाँ है एफ आइकन के अंदर वाली चीजें सारी की सारी। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्प्ले करता है और यहाँ से भी ये सारी चीजें डिस्प्ले हो जाती हैं। तो हमने सेलेक्ट किया था ड्रॉप शेडो, हम इनर शेडो भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो जो ड्रॉप शेडो मैंने सेलेक्ट की है, ये देखो इसके चारों तरफ थोड़ी सी शेडो बन गई है। अब इन शेडोज के ऊपर किस तरह से ये काम करता है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इस ऑब्जेक्ट की शेडो निकल रही है बाहर को। अब बहुत सारी पिक्चर्स होती है ना, फोटोग्राफ्स होते हैं, उनके बैकग्राउंड में इस तरह से शेडो दिखानी होती है, तो वो शेडो इस तरह से डालते हैं। ठीक है, इसको स्प्रेड करना है या फिर इस तरह से रखना है, या इसका जो साइज है वो इस तरह से रखना है, थोड़ा सा इस तरह से ब्लर करना है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है लेयर की स्टाइलिंग के लिए हैं। ठीक है, लेयर मतलब जैसे ये फोटो है ना, तो ये फोटो का मुझे ये वाला फ्रंट पोर्शन काटना पड़ेगा अगर इसके ऊपर ये चीजें दिखानी होगी। ठीक है, ये पूरे के पूरे के ऊपर नहीं दिखा सकते ना, पूरा का पूरा तो फिर इमेज को ही करेगा ये बैक साइड को शेडो। ठीक है, तो इनर शेडो, आउटर ग्लो, इनर ग्लो, ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आउटर ग्लो भी और ये इनर ग्लो भी। अंदर की तरफ का जो ग्लो है जैसे दिखाएगा ये, देखो। ठीक, तो ये थी हमारी लेयर्स के स्टाइल्स एफ आइकन के अंदर। चलिए अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है लेयर मास्क। ये इम्पॉर्टेंट है और समझने में भी आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा टफ भी लग सकता है। ठीक है, लेयर मास्क आइकन। अब देखो ना, मास्क यहाँ पे वर्ड है मास्क। मास्क का काम होता है किसी भी पार्ट को छुपाने का। ठीक है, किसी भी चीज को ढकने के लिए मास्क लगा देते हैं। जैसे आजकल हम कोरोना से बचने के लिए अपने चेहरे पे लगा रहे हैं, नाक और मुंह के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मास्क का सेम वही काम रहेगा। लेयर मास्क आइकन एट द बॉटम ऑफ द लेयर पैलेट अलाउ यू टू एड लेयर एंड वेक्टर मास्क ऑन इमेज। देखो ना, लेयर मास्क जो है ये भी सेम वहां पे बना हुआ है कॉर्नर में, नीचे लेयर पैलेट के नीचे है। अलाउ यू टू एड लेयर, ये हमें अलाउ करता है एक लेयर एड करने के लिए, लेकिन काम होता है इसका हाइड करने का। ठीक है, एंड वेक्टर मास्क ऑन इमेज, और इमेज के ऊपर जो है हम वेक्टर मास्क लगा सकते हैं, मास्क मतलब उसे ढक सकते हैं। अब ढकने वाला काम जो है ये आपको अच्छे से समझ आएगा प्रैक्टिकल के अंदर, तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ठीक है, मास्किंग कैसे करते हैं लेयर की, लेयर को कैसे ढकते हैं, लेयर का कोई पोर्शन ढकना हो तो उसको कैसे ढकते हैं और कैसे उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज, यहाँ पे हमें और लेयर्स चाहिए। ठीक है, फाइल ओपन, तो यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप ये है एप्पल, एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसका जो साइज है थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं जूम। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चाहिए हमें लेयर, एक और इमेज चाहिए, तो एक और इमेज ओपन कर लेते हैं। जैसे मान लो कि एप्पल है, इसके अंदर हमने, हाँ
ये दिखाना है, टिप्स दिखाने हैं, टीज दिखाने हैं एप्पल के, ठीक है। तो पहले तो मैं, ये है इसका सिलेक्शन टूल, ठीक है, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके मैं इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करके इसका जो साइज है वो कर लेता हूँ कम, ठीक है। ये साइज कम करने के लिए फ्री ट्रांसफॉर्म वाला इसका जो साइज है ये हो गया अब कम, ठीक है। अब इसको हम ले जाते हैं इसके अंदर, तो इसके लिए सिंपल तरीका है, मेथड है मूव टूल का यूज करना, ठीक है। मूव टूल से हम इस तरह से इसको उठा के यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है, ये आ गई इमेज यहाँ पे, ठीक है। अब काम होता है हमारा मास्किंग वाला, ठीक है, मास्किंग का कैसे यूज करना है। ये था एफ आइकन, इसके साथ में ही है लेयर मास्क, लेकिन ये यूज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट की, ठीक है। अब ये बन गई है ना हमारी, देखो दो लेयर्स है हमारे पास, एक बैकग्राउंड, बैकग्राउंड वाली जो है मैं यहाँ से अनलॉक कर लेता हूँ पहले, ठीक है, ताकि हमारी वर्किंग डिस्टर्ब ना हो। अब ये वाली लेयर बनाई थी हमने, इसके ऊपर करनी है हमने मास्किंग, ठीक है, ठीक है। तो इस लेयर को मैं कर रहा हूँ अब सिलेक्ट, अब यहाँ पे जाएंगे हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट की और फिर कर देंगे लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन क्लिक, ठीक है। देखो लेफ्ट बटन क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएगा ये वाला जो है लेयर का जो बैकग्राउंड है, यानी कि मास्क, मास्क लगे एक तरह से, लेयर जो है छिप गई है मास्क से, ठीक है। अब देखो इस लेयर के जो पोर्शन जो हमें चाहिए वो कैसे दिखाना है, इसके लिए हम यूज करेंगे ब्रश टूल का यहाँ से, ठीक है, ब्रश टूल को यूज का यूज किया और यहाँ पे फिर हम इस तरह से, ये देखो जो ढकनी है चीज वो ढके ढके रखनी है, जो चाहिए वो इस ब्रश से हम दिखा लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं मास्किंग करना, ठीक है, मास्किंग, ये है वो वाली मास्किंग। थोड़ा सा सीखने में हो सकता है आपको टिपिकल लगे, लेकिन है आसान ही है, जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आई जाती है चीजें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेयर सेट। दिस ऑप्शन हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज इमेजेस विद मल्टीपल लेयर्स बाय क्लिकिंग ऑन आइकन एट द बॉटम ऑफ द लेयर पैलेट टू क्रिएट अ फोल्डर फॉर सेवरल लेयर्स। कुल मिला के जैसे एक फोल्डर के अंदर हम सारी की सारी फाइल्स को स्टोर कर देते हैं ना, यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी हमने लेयर्स बनाई होंगी उनको हम एक फोल्डर के अंदर रख सकते हैं, यानी कि जितनी भी हम लेयर्स क्रिएट करेंगे ना उनको हम फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला है आइकन, ठीक है, सेट बनाने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ ऊपर आ गया सेट। अब इसके बाद हम जो भी लेयर्स बनाएंगे, देखो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर लेयर्स, ये देखो एक और बना दी, ये एक और लेयर बना दी, एक और लेयर बना दी, एक और लेयर बना दी, ये जो है अब इस फोल्डर के अंदर है, देखो सेव, ठीक है। जितनी भी हमने लेयर्स बनाई ना, ये सारी की सारी जो है अब चली गई इस फोल्डर के अंदर, बन कुल मिला के एक बन गया इसका सेट, एक फोल्डर उसके अंदर होगी सारी की सारी जितनी भी बनाई हमने, वो सारी की सारी इसके अंदर होगी सेव, ठीक है। तो ये काम है सेट का। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। दिस आइकन एट द बॉटम ऑफ द लेयर पैलेट हेल्प्स यू टू सेट कलर्स ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एक्सेट्रा फॉर द लेयर। अब देखो दिस आइकन एट द बॉटम ऑफ द लेयर पैलेट, ये आइकन भी लेयर पैलेट में ठीक नीचे है, जो हेल्प करता है कलर को सेट करने में, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह लेयर के लिए जो भी चीजें हैं इनको सेट करने में, कलर सेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये वाली जो लेयर है हमारे पास, हम कर देते हैं ये जो मैंने काम किया सेट के लिए बनाने के लिए, इसको मैं कर रहा हूँ अंडू, हम जा रहे हैं एप्पल के ऊपर ही। जैसे ये एप्पल था शुरू में, मैं हिस्ट्री पैलेट के अंदर गया, देखो जितने भी हमें हमने एक्शंस परफॉर्म किए थे वो सारे यहाँ पे सेव होते हैं, लेकिन जहाँ पे हम हमें हमें चाहिए कि हमने रिसेंटली जो काम किया हुआ था वहाँ से हमने फिर से दोबारा काम करना शुरू करना है, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, ठीक है। अब देखो इस लेयर के लिए जो सेटिंग रहती है ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वाली, इसके अंदर सॉलिड कलर है, ग्रेडियंट है, ब्राइटनेस ये है, कलर और बैलेंस और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो भी है।
तो हम लेयर के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इमेजेस के लिए ये वाला काम हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से रहेगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लेयर, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है क्रिएट न्यू लेयर, दिस आइकन हैज टू क्रिएट अ न्यू लेयर। अब नेक्स्ट जो आइकन बना हुआ है लेयर पैलेट के नीचे, ये नई लेयर क्रिएट करने के लिए, ये एक न्यू ट्रांसपेरेंट लेयर को क्रिएट करता है। जैसे क्लिक किया, ये देखो ये ट्रांसपेरेंट लेयर बनी हमारे यहाँ। अब मैं इनको हाइड करता हूँ ना, जैसे एप्पल को हाइड कर रहा हूँ मैं, तो ये जो लेयर बची ये वाली है फिर वो ट्रांसपेरेंट लेयर जो है, ठीक है। ये बैकग्राउंड में ये वैसे भी यही रहती है। और जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसको विजिबल रखा हुआ है ना, आपको मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी बता रहा हूँ। जैसे ये है लेयर, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये काम किया। अब यहाँ पे मैं आपको लेयर को भी बता देता हूँ कि अगर मैं इसको हाइड करूँ तो लास्ट में एक और बचती है, इनकी बाय डिफॉल्ट भी यहाँ पे जो रहती है वो ट्रांसपेरेंट लेयर ही है। ये देखो जो रह रही है वो ट्रांसपेरेंट लेयर रह रही है यहाँ, ठीक है। और ये वाली लेयर जो हमारी ट्रांसपेरेंट जो अभी बनाई हमने, ये वो वाली लेयर, ठीक है। अब मान लो ये लेयर हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए आगे जो है लास्ट में बना हुआ है एक डिलीट बटन, दिस आइकन एट हैज टू डिलीट अ लेयर, ठीक है। तो ये हमारी जो हेल्प करेगा लेयर को डिलीट करने में, ठीक है। ओके, यहाँ से लेयर जो है वो डिलीट हो जाएगी, ये भी नहीं चाहिए तो इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं, यस, ठीक है। अब ये भी है, ये भी नहीं चाहिए हमें, इसको सेलेक्ट किया, इसको भी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। डिस्कार्ड लेयर मास्क, ये तो मास्किंग के लिए था, ये नहीं है, ये हमारी लेयर। तो हमारी जो पैलेट्स हैं वो सारी की सारी हो गई हैं अब क्लियर, जहाँ पे हमने काम करना है, ठीक है। लेयर स्टाइल्स, लेयर मास्किंग होगी, लेयर सेट हो गया, क्रिएट न्यू फील्ड और एडजस्टमेंट लेयर, क्रिएट न्यू लेयर, डिलीट लेयर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी था, कल फिर हम इसके टूल बॉक्स के साथ मिलेंगे। तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।